बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मां लखना को प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूं और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूं। लेकर हाजिर हूं फिर एक बार साप्ताहिक राशि। चर्चा करेंगे सबसे पहले सप्ताह के मुख्य त्योहारों की। दिन सोमवार, अति शुभ दिन, योगिनी एकादशी है। निश्चित तौर पर आज के दिन आपको भगवान नारायण की पाठ करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। किसी भी तरह बृहस्पति की अगर स्थिति खराब है, गुरु चांडाल योग है, पितृ दोष है कुंडली में, तो नारायण कवच का पाठ अवश्य करें। 7 तारीख दिन बुधवार प्रदोष का व्रत है, जो लोग रहते हैं उनके लिए एक शुभ दिन रहेगा। 9 तारीख पितृदोष निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन दर्श अमावस्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति की। तो चंद्रमा इस सप्ताह मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में रहेगा। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय में कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, काम आसानी से पूर्ण होंगे, नौकरी व्यवसाय में कोई सफलता मिलने के संकेत मिलते हैं। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा, धन बढ़ने के चांसेस, आय में वृद्धि के चांसेस मिलते दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते बेहतर होंगे, प्रेमी प्रेमिका का अलगाव हो सकता है, छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो निश्चित तौर पर पत्नी के स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह ख्याल रखना है। शुभ तारीख ये सप्ताह आपके लिए 7 रहेगी। महा उपाय ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय मिला जुला सप्ताह है, कुछ सफलताएं मिलेंगी, कुछ में समस्या भी आएंगी, इसलिए मन थोड़ा सा दुखी भी रह सकता है, थोड़ा फोकस रखिएगा। उसी के साथ साथ धन के लिहाज से थोड़ा सा खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी उठा पथक रहेगी, खास तौर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। शादी में है तो लव अफेयर्स में है तो मोर देन 1 अफेयर्स के चांसेस है, यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत दिख रही है, इन चीज़ों को कंट्रोल रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में गले की समस्या, वाणी दोष का शिकार हो सकते हैं इस सप्ताह, ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूँ 6 रहेगी। महा उपाय की बात करूं ओम अम अंगार काहे नमः, इस मंत्र का पाठ करिएगा इस सप्ताह। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिला जुला सप्ताह आपके लिए भी रहने वाला है। कैरियर और व्यवसाय में छोटे मोटे काम बिगड़ सकते हैं, बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, किसी काम में देरी आ सकती है, तो इन सब पर ध्यान रखिएगा। खास तौर से धन के मामलों में खर्चे बढ़ते दिख रहे हैं, खास तौर से अपनी प्रेमिका की वजह से, फीमेल की वजह से, अपोजिट सेक्स की वजह से कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी मोटी बीमारियों में भी खर्चे हो सकते हैं, ख्याल रखिएगा। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के रिश्ते बेहतर रहेंगे, प्रेम प्रसंग में सफलता के मिलने के चांसेस हैं। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या हो सकती है। शुभ तारीख 5 रहेगी। महा उपाय ओम सोम सोमाह नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। बड़ा ही अच्छा सप्ताह रहेगा, कहीं ना कहीं तरक्की के योग बनते दिख रहे हैं, लाभकारी सप्ताह है। निश्चित तौर पर आप भाग्यशाली रहेंगे, कैरियर व्यवसाय में लाभ मिलेगा, सुदूर देशों से मतलब विदेशों से कोई शुभ समाचार मिलेगा, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, नया ऑफर आ सकता है। धन के मामले में भाग्यशाली हैं आप, शेयर मार्केट से खासा लाभ होगा, कहीं अगर किसी को कर्ज दिया था वापस आ जाएगा, और खास तौर से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी तो मैच्योर होने के चांसेस हैं, जिसमें खासा गेन होगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुर रहेंगे, घर में सुख शांति बनी रहेगी, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा, और खास तौर से प्रेमी प्रेमिका कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। उसी के साथ साथ स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख इस सप्ताह आपके लिए 9 रहेगी। महा उपाय इस सप्ताह आपके लिए ओम केम केतुह नमः, इस मंत्र का पाठ करना है। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में बहुत सारे लाभ की संभावना है, जहां हाथ डालेंगे वहां लाभ मिलेगा। कोई इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है, इस सप्ताह कराइएगा, निश्चित लाभ मिलेगा। नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिलेगी, प्रमोशन की तलाश में प्रमोशन मिलेगा,
पद प्रतिष्ठा बढ़ने के पूरे संयोग बनते दिख रहे हैं। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आता रहेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के रिश्ते मधुर होंगे, प्रेम प्रसंग में लाभ की संभावना है, माता पिता से भरपूर सहयोग मिलेगा, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामलों में घुटनों की समस्या, पैरों की समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख इस सप्ताह आपके लिए 10 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी ढीली होगी, उसके बाद सप्ताह बेहतर रहेगा। धीरे धीरे सप्ताह में आपके बने जो काम रुके हुए थे, बिगड़े हुए काम थे, बनने लगेंगे। धन के मामले में खासा शुभ सप्ताह रहेगा, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी का सहयोग मिलेगा, प्रेमी प्रेम का भी कहीं ना कहीं आपस में जीवन उनका बेहतर होता दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर कफ सर्दी जुकाम पे ख्याल रखिएगा, छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है। शुभ तारीख की बात करूँ तो निश्चित तौर पर 7 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूँ तो इस सप्ताह आपको खासतौर से ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः इस मंत्र का 12 बार रोज जाप करना चाहिए। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित सफलता के योग हैं। कैरियर और व्यवसाय में कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ बड़ी डील साइन होने के संकेत है, नौकरी में कुछ तरक्की के संकेत है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, धन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कर्जों से बचिएगा, दूर देशों की यात्रा से, छोटी मोटी यात्रा से बचिएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी के मतभेद खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेमी प्रेम का किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं जो लोग अनमैरिड हैं। स्वास्थ्य के मामलों में पुरानी किसी समस्या से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। ओम चम चंद्रम सह नमः इस मंत्र का जाप करना है 12 बार रोज। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। शुभ तारीख 6 रहेगी। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर लाभ के संकेत हैं। कैरियर और व्यवसाय में नौकरी में तरक्की मिलेगी, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, धन के मामलों में कहीं ना कहीं कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। स्वास्थ्य के मामलों में कोई पुरानी समस्या खत्म होती हुई नजर आ रही है। शुभ तारीख इस सप्ताह 6 रहेगी। महा उपाय की बात करो, ओम शम शनिश्चय नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। बात कर लेते हैं धनुराशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में भारी सफलता के योग, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग, शिक्षा में उच्च शिक्षा के अच्छे योग, विदेश जाने के अच्छे योग, प्रमोशन के पदोन्नति के अच्छे योग। धन के मामले में भाग्यशाली हैं, हर तरफ से लाभ होगा, शेयर मार्केट सट्टा मार्केट से लाभ होगा, किसी फीमेल्स की वजह से भी फायदा होगा, प्रॉपर्टी में लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, किसी नए प्रसंग प्रेम प्रसंग में पड़ेंगे जो कि शादी में आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है। शादीशुदा जिंदगी ओवरऑल स्टेबिलिटी से आगे बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई समस्या इस सप्ताह नहीं है। शुभ तारीख 8 रहेगी। महा उपाय ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। मकर राशि वालों, कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर भारी सफलता के योग, बिगड़े काम बनेंगे, रुके हुए काम पूर्ण होंगे, अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करेंगे, पैसे रुपये में खासा लाभ होगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, निश्चित तौर पर सफलता के योग है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती। स्वास्थ्य के मामलों में जुखाम, नाक, साइनस, माइग्रेन इसका ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं 6 रहेगी। महा उपाय की बात करूं, सिद्ध गुंजिका मंत्र स्त्रोत का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9 अंक। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय में निश्चित तौर पर सफलता है। कैरियर और व्यवसाय में भारी सफलता के योग, पराक्रम बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, अधिकारी वर्ग खुश रहेंगे, शत्रु खत्म होंगे। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, धन आसानी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, भाई बहनों से धन लाभ की संभावना है, कोई पैतृक विवाद में संपत्ति फंसी हुई थी, भाई बहनों से रोके हुए थे, उस पर निजात मिलेगी। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, पति पत्नी का भरपूर सहयोग, प्रेमी प्रेमिका का नया जीवन शुरू होने जा रहा है सत्ता से। स्वास्थ्य के मामलों में पेट की समस्या रह सकती है। शुभ तारीख 7 रहेगी। महा उपाय महिषासुर मर्दिनी का पाठ करना। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 10 अंक। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में भारी सफलता के योग, कैरियर और व्यवसाय में मनचाही पोस्टिंग, मनचाही पोजीशन, आपकी तारीफ करेंगे लोग, आपका रुतबा बढ़ेगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, धन बढ़ता हुआ जा रहा है, कोई रुका हुआ धन आएगा, धन के मामले में तरक्की के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, माता पिता से भरपूर सहयोग मिलेगा, पति पत्नी का भरपूर सहयोग है, प्रेमी प्रेमिका किसी नए रिश्ते में
जा सकते हैं जो लोग सिंगल हैं। स्वास्थ्य के मामलों में स्वास्थ्य लाभ के संकेत हैं इस सप्ताह। शुभ तारीख की बात करूं निश्चित तौर पर 10 रहेगी। महा उपाय की बात करूं ओम विनाधिपतयः नमः इस मंत्र का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 9। तो ये था सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पर टाइप करिए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।